हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड पंचायत चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जी हां, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहां पे आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है उत्तराखंड में एक साथ होंगे निकाय और पंचायत चुनाव। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं और जो निकाय चुनाव होने वाले हों एक साथ होंगे। तो क्यों एक साथ होंगे और किस तरीके से क्या चीज़ें होने वाली हैं, चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं राज्य सरकार की और किस तरीके से चुनाव को करवाया जाएगा, कब इसका डेट आएगा, किस तरीके से परिसीमन होगा आरक्षण सूची के बारे में, साथ ही साथ क्या कुछ बड़े बदलाव इस चुनाव के अंदर हुए हैं, ये सारी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो अब आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पंचायत चुनाव से संबंधित जानकारी मिलती रहती है, जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उसकी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा उत्तराखंड के अंदर इस समय जो पुराना कार्यकाल एक तरीके से जो पंचवर्षीय कार्यकाल चल रहा था पंचायत का, वो पूरा होने को है। और वर्ष 2019 के अंदर ये पंचायत चुनाव हुआ था, तो 2019 से लेकर के 2024 तक लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और नवंबर 2019 में ये पंचायत चुनाव हुआ था उत्तराखंड के अंदर, तो ऐसे में जो पंचायत चुनाव का कार्यकाल है वो नवंबर 2024 में पूरा हो रहा है। तो इसको लेकर के जो प्रत्याशी हैं वो पूरा जोर शोर से लग चुके हैं। जो पुराने प्रत्याशी जिन्होंने एक तरीके से हार का सामना किया है, वो लोग भी पूरी दमखम से मैदान में आ चुके हैं। तो इसको लेकर के जो भी बातें आ रही हैं, जो भी अपडेट आ रहे हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से उत्तराखंड में, ये सब कुछ आपके सामने स्पष्ट रूप से हम बता देंगे। दोस्तों, यहीं पे बात करें निकाय चुनाव उत्तराखंड की, तो निकाय का जो चुनाव एक तरीके से है, निकाय का जो कार्यकाल होता है वो दिसंबर 2023 में ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद से प्रशासकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और फिर बाद में क्या हुआ कि एक महीने का कार्यकाल उसका बढ़ा दिया गया है। और अब राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को एक साथ करवा लिया जाए। और इसको करवाने से बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं। बात करें अगर फ़ायदों की, तो इसमें अगर एक चुनाव इकट्ठे एक साथ चुनाव करवाया जाता है, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, तो इसमें क्या होगा कि जो आचार संहिता होती है वो एक बार सिर्फ लागू होगी। और एक बार आचार संहिता लागू होगी, उसी में ये दोनों चुनाव करवा लिए जाएंगे। और चुनाव एक साथ करवाने से कम संसाधन भी लगने वाले हैं और दो बार करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो संसाधन, समय, पैसे सब कुछ बचत होगा। तो ऐसे में जो भी मंत्री हैं उन्होंने सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की है और उनके समक्ष इस बात को पेश किया कि दोनों चुनाव एक तरीके से एक साथ करवाए जाएं। तो इस पर पुष्कर धामी जी ने भी हामी भर दी है, और क्योंकि ये राज्य हित में है एक तरीके से, तो इसलिए उन्होंने हामी भर दी है और उन्होंने कहा है कि हाँ, ये दोनों जो चुनाव हों एक साथ करवाए जाएंगे। तो अब ऐसे में दोस्तों बात करते हैं कब तक होंगे चुनाव। तो चुनाव देखिए, जो कार्यकाल है पंचायत का वो नवंबर में ख़त्म होगा और निकाय चुनाव का कार्यकाल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में अगर नवंबर में पंचायत का कार्यकाल ख़त्म होता है तो दिसंबर से जनवरी के बीच में पंचायत चुनाव 2024 उत्तराखंड में होने की पूरी संभावना बन रही है। और इसको लेकर के जो भी राज्य में जिले में काम होते हैं वो काम हो चुके हैं, परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, कहाँ पर कौन सी सीट आनी है इसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और दोस्तों, वोटर लिस्ट में जो नाम बढ़ाने का कार्य है वो भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अगर हम एक तरीके से देखें तो पंचायत चुनाव में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। दिसंबर लास्ट तक या जनवरी 2025 में ये पंचायत चुनाव हर हाल में करा लिए जाएंगे, फिर उसके बाद से जो नई पंचायत गठन होगी वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से ये मांग हो रही थी कि इस ये जो कार्यकाल है नवंबर 2019 वाला, इसमें 2 साल की बढ़ोतरी की जाए, यानी कि ये जो कार्यकाल है पंचायत चुनाव का इसको 7 साल किया जाए। और इसको लेकर के जो वर्तमान में पंचायत प्रधान थे वो लोग 90 ब्लॉक के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो 90 ब्लॉक हैं, 90 ब्लॉक पर प्रदर्शन इसका जोर शोर से चल रहा था। उनकी मांग थी कि इसको 2 साल इसका कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड के दौरान हम लोगों ने 2 साल तक कोई बैठक नहीं की, कोई चौपाल नहीं की, और 2 सालों में हमने गांव का एक तरीके से विकास कुछ नहीं कर पाया। तो इसको लेकर के वो लोग एक तरीके से मांग कर रहे थे कि 2 साल कार्यकाल बढ़ाया जाए और ये जो पंचायत चुनाव है एक तरीके से 2027 में किया जाए, लेकिन इस चीज़ को खारिज कर दिया गया है। उनका कहना ये भी था कि ये 2001 में हुआ था और ऐसे कई राज्यों में हो चुका है। तो इसको लेकर के एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची थी, फिर कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा है कि पंचायत एक्ट में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है कि कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो मिला जुला करके उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। जो लोग इस इंतज़ार में थे कि 2 साल कार्यकाल हमारा बढ़ जाएगा, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, कार्यकाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा एक तरीके से। और आप देखेंगे तो आपके पास 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है। अगर आप एक तरीके से पंचायत चुनाव प्रत्याशी हैं तो आपको अपने पूरे दमखम से लग जाना चाहिए पंचायत चुनाव में, क्योंकि कार्यकाल बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है और पंचायत चुनाव अपने तय समय पर भी होगा।
यहाँ पे बात करें दो बच्चों वाले नियम की, तो आपको पता होगा पिछले पंचायत चुनाव से ही ये बातें उठ रही थी, ये खबरें उठ रही थी कि जिनके इसमें इस समय दो से ज़्यादा बच्चे हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी कि वो एक तरीके से प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसको लेकर के जो कुछ इस बार अपडेट आई है, अभी तक की जो अपडेट है इसमें इस नियम को अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन सरकार का इतना ये कहना है कि नवंबर 2019 के पहले जिनके दो बच्चे हैं वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जिनके तीन बच्चे हो गए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर इस योजना को देखा जाए तो ये योजना पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, और हो सकता है कि इस बार आपको छूट मिल जाए, आपके पास अगर दो से अधिक बच्चे हैं तब भी आप पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब आगे से इस तरीके की कोई क्रिया नहीं होगी और आगे से ये जो योजना है ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, ये जो नियम है पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। अगर आपके दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सीट की बात करें तो जहाँ पे महिला सीट आई थी, इस बार भी महिला सीट ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है, और जाति जो समीकरण है उसको पंचायत निर्वाचन आयोग ने एक तरीके से स्पष्ट रूप से देख लिया है, फिर जहाँ पर जो भी सीटें आने वाली हैं जो आरक्षण के हिसाब से उसका भी काम शुरू हो गया है। दोस्तों बात करें वोटर लिस्ट में अपडेट की, तो वोटर लिस्ट में अपडेट का काम भी शुरू हो चुका है, और जितने भी जिले हैं उत्तराखंड के अंदर टोटल 13 जिले हैं जिनमें हरिद्वार को छोड़कर के 12 जिलों में पंचायत चुनाव इस वर्ष होना सुनिश्चित है। तो इनमें वोटर लिस्ट का काम शुरू हो चुका है, पिछले 5 सालों के अंदर जो नए वोटर बढ़े हुए हैं जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, कुछ नई जो बहुएँ आई हैं दूसरे गांव से, या जो भी जनसंख्या बढ़ी हुई है जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है, तो उनका जो नाम एक तरीके से जोड़ने का काम इस वोटर लिस्ट में शुरू हो चुका है। तो अगर आप एक तरीके से प्रधान प्रत्याशी हैं तो आपको भी ये ध्यान देना है कि आपके ग्राम सभा के अंदर ऐसे कितने बच्चे हैं, कि ऐसे कितने लोग हैं जो 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं और जिनका एक तरीके से वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए ताकि वो इस बार मतदान कर सके। तो इसको आपको सुनिश्चित करना है अगर एक तरीके से आप प्रत्याशी हैं यहाँ पर। तो मिला जुला करके अगर कहा जाए तो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव का जो डेट है वो बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको लग जाना चाहिए प्रचार करने में, और अच्छे से प्रचार करना है, लोगों के बीच में जाना है, और एक तरीके से अपने गांव के विकास के लिए एक अच्छा कदम आपको उठाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले 5 सालों के अंदर हमारे ग्राम सभा के अंदर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, कितनी नालियां बनी हुई हैं, कितने खंडे बने हुए हैं, कच्चे काम से रिलेटेड क्या चीज़ें हुई हैं, कौन सा सुंदरीकरण हुआ है, वृक्षारोपण कहाँ कहाँ पर हुआ है, कितने लोगों को आवास की सुविधा मिली, शौचालय की सुविधा मिली। तो ये सब सुनिश्चित करने के लिए आपके पास हो सकता है संसाधन ना हो तो आप बिल्कुल घबराइए मत, हम आपको ये सारी जानकारी पिछले 5 सालों के अंदर कितना काम हुआ है, कहाँ पे काम हुआ है, एक एक रुपए की जो खर्च हुए हैं, एक एक वाउचर की जानकारी हम आपको दे सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस पे आपको संपर्क करना है, फिर उसके बाद से आपके ग्राम सभा के अंदर जो भी काम हुआ है, चाहे वो 15वें वित्त के अंतर्गत हुआ हो, नाली खड़ंजा, हैंडपम्प रिपोर्ट, स्ट्रीट लाइट का काम, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत हुआ हो, वृक्षारोपण हो गया, तालाब का सुंदरीकरण हो गया, ये सारी जानकारी हम आपको दे देंगे एक दिन के अंदर, और इसका बहुत मिनिमम चार्ज लगने वाला है। और ये जो सर्विस है स्पेशली जो ग्राम पंचायत प्रत्याशी हैं जो एक तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको ये जानना है कि गांव में क्या क्या हुआ है, और उसको एक तरीके से रेफरेंस लेकर के वो अपने कार्यकाल में इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे गाँव में, उनके लिए है। तो अगर आप एक तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको ये सर्विस चाहिए, तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिए और एक दिन के अंदर अंदर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगा मिनिमम चार्ज पे। बाकी जो भी अपडेट आते हैं पंचायत चुनाव से संबंधित मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बना रखिए जिस तरीके से अभी तक आपने सपोर्ट बनाया हुआ है। तो वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।